मटका चौक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जैसे मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस हरकत में आ गई। आपको बता दें कि शव बुजुर्ग व्यक्ति का बताया जा रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति की मौत कैसे हुई, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पर पुलिस एवं अपना आशियाना की टीम ने पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लिया एवं मर्चरी हाउस भेज दिया। मौके पर जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि करनाल के मटका चौक पर एक वृद्ध आदमी का शव पड़ा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि शव अब पहचान के लिए मर्चरी हाउस में रखा जाएगा। पहचान ना होने पर पूरे विधि विधान से इसका संस्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएनए के तौर पर शव का नाखून या कोई अन्य शिनाख्त के तौर पर कोई वस्तु अपने पास रखी जाएगी, जिसको भविष्य में अगर इनके परिजन आते हैं तो उसके आधार पर अज्ञात मृतक व्यक्ति की पहचान कराई जाएगी। फिलहाल मौके पर शव मिलने से आसपास के एरिया में डर का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही आरंभ कर दी है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अपने जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा इनकी पहचान की कोशिश की जाएगी और 72 घंटे तक इसको डेटा हाउस में रखा जाएगा। उसके बाद अगर इसका कोई भी वारिस सामने नहीं आता तो इसका विधि पूर्वक समाज सेवी संस्था के द्वारा संस्कार कराया जाएगा और इसका कोई ना कोई डीएनए के तौर पर हमारे पास एक दांत या कोई नाखून वगैरह हम रखते हैं ताकि भविष्य में यदि कोई इनका परिजन संपर्क करता है तो उनको डीएनए के माध्यम से उनकी पहचान के तौर पे इनका सारा जो आगे नियमन की जा सके। लगता है कि जैसे ये पूरी तरह से ठंड से ही मरा हुआ है, ठंड और भूख से मर गया है ये बंदा। और अब जैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है, वो तहकीकात करेगी। जैसा भी अगर इसके परिवार का पता लगता है तो परिवार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जन सेवा दल के माध्यम से इसका दाह संस्कार विधि विधान से पूरे पोस्टमार्टम करने के बाद कानूनी प्रक्रिया करने के बाद किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।